एशिया कप 2023 को लेकर कहीं ना कहीं अब एक्साइटमेंट धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। डे बाय डे अगर हम बात करें तो, अगर वक्त की बात करें तो लगभग आप कह सकते हैं कि 15 से 17 दिन कहीं ना कहीं बचे हुए हैं, और उसके बाद टीम्स वगैरह सब पहुंचनी शुरू करेंगी, प्लेयर्स वगैरह और मैचेस वगैरह स्टार्ट होंगे। अगर पहला लेग पाकिस्तान में होना है, उसके बाद श्रीलंका में कहीं ना कहीं मैचेस होने हैं। तो यहाँ पर जो एशिया टीम है, अगर हम बात करें उनकी, तो नेपाल जो एशिया टीम इस वक्त वहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाली है। सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर इस वीडियो को हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर सुने, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे क्या कि इस वीडियो के जरिए हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, और ये चीज़ें कितनी ज़्यादा रिजल्ट तो बहुत लास्ट ऑप्शन आ जाता है, लेकिन उससे पहले परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट डालती है। इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, इसका इम्पैक्ट नेगेटिव भी हो सकता है, और ये चीज़ें आप किसी भी तरह से दरकिनार नहीं कर सकते, चाहे आप कोच हो या फिर कैप्टन हो या फिर आप प्लेयर हो या फिर आप बाहर बैठे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हो, क्रिकेट फैंस हो, सबकी नज़रों में बात कर रहा हूँ। ये तीन चीजें डेफिनेटली कोई भी इससे डिसएग्री नहीं कर सकता कि ये तीन चीजें कितना ज्यादा इंपैक्ट डाल सकती है, खास करके इस तरीके के बड़े इवेंट में, बड़े टूर्नामेंट में, जहां पर आप अपने नेबर्स में वन ऑफ द बिगेस्ट टीम्स के खिलाफ मैचेस खेलते हुए नजर आते हैं। देखिए, बैटिंग से परफॉर्मेंस, बॉलिंग से परफॉर्मेंस, फील्डिंग से परफॉर्मेंस, बैटिंग बॉलिंग से जो परफॉर्मेंस की बात हम कर रहे हैं, ये सब चीज़ें डेफिनेटली इन सब चीज़ों पे ओपोनेंट का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है। अब मान के चलिए नेपाल यूएई से खेल रहा है, लेकिन वहीं पर दूसरे बात देखें तो नेपाल मान के चलिए इंडिया से खेल रहा है, पाकिस्तान से खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया से खेल रहा है, इंग्लैंड से खेल रहा है, तो दोनों में फर्क है ना, किस चीज़ का? ओपोनेंट का। बिल्कुल, डेफिनेटली नेपाल वर्सेस यूएई अगर इंग्लैंड में हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी नेपाल उतनी दमदार नजर आएगी, यूएई भी अच्छे खासी टक्कर देगी, नेपाल भी टक्कर देगी, एट द एंड अच्छा खेलेगा, वो जीतेगा, चाहे वो इंग्लैंड में खेले, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में खेले, चाहे वो कहीं भी खेले, लेकिन नेपाल वर्सेस ऑस्ट्रेलिया और नेपाल से इंडिया और नेपाल वर्सेस पाकिस्तान दुनिया के किसी भी ग्राउंड पर खेले, डेफिनेटली काफी वहां पर ओपोनेंट मैटर जरूर करता है। लेकिन ये तीन चीजें ऐसी हैं जो हमने आपके सामने प्रेजेंट की, इस पे पूरी तरह से नेपाल के खुद का कंट्रोल यहां पर रहेगा। जरूर, बिल्कुल, ये तीन चीजें अगर आपने बेहतर कर ली तो उसके बाद आप अपने परफॉर्मेंस में डेफिनेटली निखार ला सकते हैं 30 अगस्त और 4 सितंबर को। ये तीन चीजें हैं क्या, समझाने की जरूर कोशिश करते हैं। तीन चीजों पे ये मैटर नहीं करता कि ओपोनेंट क्या है, ओपोनेंट बहुत टफ है, आप ये नहीं समझ रहे ओपोनेंट बहुत टफ है, ये है वो है, यहाँ पर ओपोनेंट की बात ही नहीं आती। ये तीन चीजें आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आप कोई अब क्लब लेवल के क्रिकेटर नहीं है, आप एक इंटरनेशनल टीम में जा चुके हैं, नेशनल टीम के प्लेयर्स हैं और मैचेस भी खेल चुके हैं, कई सारे प्लेयर्स तो काफी मैचेस खेल चुके हैं, आप कैप्टन भी हैं और एक नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं काफी वक्त से, आपने कई सारे अभी एक इतना बड़ा क्वालिफायर आप खेल कर आए हैं, तो डेफिनेटली ये तीन चीजें आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें ओपोनेंट का हाथ है, और ये तीन चीजें अगर आपने कंट्रोल की तो आपके परफॉर्मेंस पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर नजर आएगा। अगर हम आगे फिर उसके बाद परफॉर्मेंस की भी आगे बात जरूर करेंगे कल के वीडियो में। एंड तीन पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट जो है वो क्या है और क्यों बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है वो पॉजिटिव इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस है? बिल्कुल, देखिए जो पहला पॉइंट है वो है सबसे सीधा कि नर्वसनेस। अब ऑब्वियसली है, ये पहला पॉइंट जो है ये भी देखिए आप खुद के ऊपर आता है। अब ये सब है यंग, जी हाँ, यंग कमर्स है जो भी टीम में है, इनकी उम्र जो है, एज है वो काफ़ी कम है, कोई 21 का है, कोई 20 का है, कोई 19 का है, कोई 22-23 का है, कोई 24 तकरीबन का है, लेकिन कप्तानी खुद 20 साल के हैं, जी हाँ, और खुद कप्तान इतनी कम उम्र के हैं, और बाकी सब प्लेयर ऐसे ही हैं, तो फिर यहाँ नर्वसनेस बहुत ज़्यादा होना लाजमी नज़र आता है। अब मान लीजिए क्योंकि आए दिन तो आप खेलते नहीं हैं, आदि नहीं है इस चीज़ के कि हाँ हम कल ही खेल के आए थे, अभी इंडिया के खिलाफ खेल के आए थे पाकिस्तान, बिल्कुल सही कहा आपने कि हम इनके खिलाफ तीन मैच की सीरीज खेल के आए थे, या के खिलाफ भी खेल के आए थे, चलिए उसके भी आदि नहीं है, आदि होते तो चलिए कोई बात नहीं, हाँ इट्स ओके, ये नॉर्मल है बहुत, लेकिन नहीं, कई सालों में, मेरे ख्याल नहीं कई सालों छोड़िए, पहली बार खेलने के लिए उतर रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के खिलाफ, नेपाल मेन टीम, सीनियर टीम, जी हाँ, नेशनल ओडीआई में पहली बार आमना सामना होगा, तो सोच कर देखिए इतनी कम उम्र के जब इंटरनेशनल प्लेयर होंगे और सामने आपके जब इतने बड़े बड़े प्लेयर आप देखेंगे, तो ये नर्वसनेस को कंट्रोल करना ये सबसे बड़ा अपने आप में एक चैलेंज है, चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर इसे कंकर कर लिया तो समझ लिए बहुत बेहतर, आपने अपने आप को कंट्रोल किया, परफॉर्मेंस में भी ये और नज़र आएगा अगर आप नर्वसनेस को कंट्रोल कर पाएंगे कि हाँ हम अब नर्वस नहीं है, हम आम चीज़ है, आम हमारे लिए ये सारा एनवायरनमेंट है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, एग्जांपल है, ऐसा हुआ है दुनिया में, ऐसा नहीं है कि आप नेपाल को, हम ये पहली बार हिस्ट्री में क्रिएट होने जा रहा है दुनिया में कि कोई छोटी टीम कोई बड़ी टीम से खेलने जा रही है, ऐसा तो नहीं है,
ऐसे तो नहीं है, कई दफा हो चुका है, कई बार हो चुका है, क्रिकेट में ही कई बार हो गया है, हॉकी में हो चुका है, फुटबॉल में हो चुका है, सब जगह में कई दफा हो चुका है कि छोटी टीमें बड़ी बड़ी टीमों से भिड़के आई हैं और वो जीत कर भी आई हैं। मैं यहाँ जीतने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो जीत के आए हैं। तो फिर ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने नर्वसनेस पर काम किया, कंट्रोल रखा और एक परफॉर्मेंस ऐसी थी कि दमदार नजर आई और सालों तक उसे याद करते गए। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं हो जाता है पॉइंट। इससे रिलेटेड एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, जुड़े जरूर रहिए। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, देखिए नर्वसनेस में और भी चीज़ें आ जाती है। अब कई यंग प्लेयर्स हैं, कई सारे प्लेयर्स हैं, इन्होंने विराट को काफ़ी खेलते हुए देखा है, कोई कई कई डेफिनेटली उसमें फैंस भी हो सकते हैं। एज अ टीम की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद बाबर आजम की मैं बात करूँ, शाहीन अफरीदी हुए, वहीं पर अगर हम यहाँ पर बात करें रोहित शर्मा वगैरह हुए, तो डेफिनेटली तो इन लोगों को काफी इन्होंने क्रिकेट खेलते हुए देखा है, काफी ज्यादा फैन मोमेंट्स भी हो सकते हैं कि इन सबके वो फैंस भी रहे हो। तो ये जब वो चीजें आप सोचिए, जब पहली बार ये जब कोई प्लेयर इतने बड़े प्लेयर से मीट करते हैं, मीट में ही कहीं ना कहीं नर्वसनेस निकल आती है जब आप हाथ मिलाते हैं वगैरह वगैरह, तो जब उनके साथ खेलेंगे एज अ ओपोनेंट खेलेंगे और डेफिनेटली वो नर्वसनेस होना नेचुरल है। ये नहीं कह रहे हम कि ये क्या आप नेगेटिव इंपैक्ट, बिल्कुल नहीं, ये नेचुरल है, ये होना ही होना है। लेकिन इस चीज पे आपको कंट्रोल भी रखना है। 80% टीमें ये करने में फेलियर हो जाती हैं, इसीलिए पहले मैच में पहले अटैम्प्ट में हम देखते हैं कि बहुत नर्वसनेस के चक्कर में उनका परफॉर्मेंस काफी खराब हो गया। लेकिन 20% ऐसे भी हुई है ओवरऑल स्पोर्ट्स में जिन्होंने नर्वसनेस पे अपने कंट्रोल रखा और एक अच्छी परफॉर्मेंस दी। जीते भले ही ना हो, कुछ जीते भी हैं और कुछ जीते ना हो, तो इतना इंप्रेस करने में कामयाब है कि लोगों ने खड़ों की तालियां बजाई, चलिए इन्होंने बहुत अच्छा कंट्रोल दिखाया, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स के होते हुए ये नर्वसनेस पे कंट्रोल रखना जरूरी है। अब मैं बात करता हूँ उस एग्जाम्पल की, एक रिसेंटली एग्जाम्पल, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, और रिवाल में फुटबॉल्स के काफी ढेर सारे फैंस हैं तो वो बहुवी से इंसिडेंट को जानते होंगे, एंड वो नर्वसनेस वाली जो एक एग्जाम्पल है, स्टोरी है, वो आप जरूर शेयर करिए। जरूर, देखिए वो आपको याद होगा हाफ टाइम हुआ था, मैच था अर्जेंटीना का पहला ही मैच था वर्ल्ड कप में, मुझे याद है, मुझे लगता है कि सबको याद आ गया होगा, सऊदी अरबिया वर्सेस अर्जेंटीना का मैच हुआ था 2022 फीफा में। तो वहां पर जब हाफ टाइम हुआ, जब सब अंदर गए, तब उस मोमेंट पर जो कोच ने प्लेयरों के अंदर एक आग भरी थी, तो उससे पहले प्लेयर सब मरे मरे से थे और सब पूरा दिख रहा था नर्वस में, टीम में साफ दिख रहा था कोई मैसी से भिड़ नहीं रहा है, मैसी को कोई कुछ कर नहीं रहा। ऑब्वियसली अर्जेंटीना मतलब मैसी ही है, पिछले 10 सालों से यही चला आ रहा है। एंजेल डी मारिया बहुत अंडररेटेड है, खैर वो छोड़िए। लेकिन अब फिर उसमें भी हाफ टाइम तक सऊदी अरबिया एकदम ढीला था, और उसके बाद जब एक वीडियो वायरल हुआ था उस मैच के कंप्लीट होने के बाद, कि कोच ने ऐसी आग भर दी प्लेयरों में कि उन्होंने बोला क्या कि आप मैसी के साथ ग्राउंड पर क्या फोटो लेने के लिए आए हैं, यहाँ खेलने के लिए, सेल्फी लेने के लिए आए, सेल्फी लेने के लिए आए, अब ये करने के लिए आए, अगर यही करना था तो बाहर कर लेते, यहाँ खेलने की क्या जरूरत है। वो भी इतने एंगर के तौर पर कि अगर आज ये क्रिकेट में अगर इतना एंगर ले आए तो ईगो हर्ट हो जाता है, अगर इतना एंगर में अगर किसी कोच ने बात कर लिया तो। ये चीज में इतना आग भरा और उसके बाद रिजल्ट देखिए आप, मैसी का शर्ट पकड़ा, मैसी को गिराया भी ग्राउंड में हाफ टाइम के बाद, और रिजल्ट देखिए सऊदी अरेबिया ने अपने फेवर में वो मैच लेके चले गए। बिल्कुल, उस मैच को देखिए, सऊदी अरेबिया क्या है, क्या टीम है, वो मैच और वो पल डेफिनेटली एज अ फुटबॉल फैन, जो लोग काफी फुटबॉल देखते हैं जैसे कि एन की बात कर रहा हूँ, वो काफी सालों तक ये चीज याद रखी, बिल्कुल याद रखेंगे। हैरानी वाली बात है, अर्जेंटीना का जो परफॉर्मेंस रहा, अनबीटन रही थी वर्ल्ड कप क्वालिफायर में, हारी नहीं, उसके बाद यहाँ आई और फिर अचानक पहला मैच हारा, हारा नहीं है, हराया गया है, हराया गया सऊदी अरेबिया ने, उनके कोच ने जिस तरीके की आग भरी थी प्लेयरों में, लग भी रहा था यार ये तो सब फैन होंगे शायद, मैसी भी रहते फर्स्ट हाफ, बिल्कुल सही कहा आपने, अर्जेंटीना और बाप रे मैसी हमारे पास से गुजरे हैं, ये हमारे पास से जा रहे हैं, नहीं नहीं हमको कुछ नहीं कर सकते, ये तो हमारे सीनियर है, ये कैसे हो सकता है। लेकिन इंटरवल के बाद कहानी पूरी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, जिस तरीके से उन्होंने फिर उसका गेम खेला, तो वो एग्जाम्पल यहाँ पर फिट बैठता है नेपाल के ऊपर, नेपाल के प्लेयर्स के ऊपर, कि नर्वसनेस को दूर कैसे करना है, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल। बिल्कुल, और ये आपको करना होगा, आप कितने ही बड़े फैन हो या फिर कितना भी आपको रेस्पेक्ट वगैरह हो, वो सब मैच के बाद, नहीं या तो मैच से पहले दिखाइए या मैच के बाद, जैसे ही ग्राउंड पे गए भूल जाइए सामने बाबर आजम है, सामने शाहीन है, कौन है, किसके आप फैन है, विराट है, रोहित है, कौन है, वो सब भूल जाइए, और ठीक कोई बात नहीं, 7 घंटे बाद मिलते हैं, अभी हम ओपोनेंट हैं आपके, आप ओपोनेंट है, हम 50 पे ऑल आउट हो जाएंगे, बहुत बुरी तरह हारेंगे, लेकिन वो हमें नर्वसनेस वाली मामला हमारे आपके सामने नहीं हो रहा। डेफिनेटली यकीन मानिए, अगर आपने नर्वसनेस
नर्वसनेस पे अपने कंट्रोल कर लिया तो ये 50 करोड़ वाली कहानी तो होने से कभी नहीं हो सकता। वो नर्वसनेस पे ही इस तरह का ब्रेक डाउन होता है कि टीम एकदम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। नर्वसनेस पे आपने कंट्रोल किया, आप एक अच्छा स्कोर भी लगा सकते हैं और इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दे सकते हैं। याद रखिएगा, बेलग्रेड कभी भी यहाँ जीत की बात नहीं कर रहा, जीत की बात है लेकिन इंप्रेस करने में आप कामयाब रहे उतना बहुत बड़ी बात होगी। ये पहला पॉइंट हो गया जो कि किसी भी तरह से कोई भी इस चीज से डिसएग्री नहीं कर सकता कि इसका पॉजिटिव इंपैक्ट परफॉर्मेंस में जरूर पड़ेगा। सेकंड एक और जो बहुत बड़ा सरदर्द है, ये भी आप ही के हाथ, बिल्कुल ये भी आप, क्योंकि आपने अगर आप ये भी पहले पॉइंट से भी जुड़ा हुआ है और आपके हाथ में भी है, वो है फील्डिंग। जरूर ये भी किसी चीज से भी कोई डिसएग्री नहीं कर सकता कि फील्डिंग में वर्ल्ड कप क्वालिफायर जो भी हुआ उसमें सेकेंड नंबर पर सारी टीमें जो खेल रही थी फुल ओवरऑल फुल मेंबर्स को मिलाकर अश्वर को मिलाकर सेकेंड नंबर पर सबसे ज्यादा कैचेस रनआउट चांस मिस और ओवरथ्रो देने वाली टीम जो थी वो थी नेपाल। सबसे पहले नंबर पर यूएसए थी, दूसरे पे नेपाल और तीसरे पे यूएई थी। तीसरे नेपाल और यूएई में सिर्फ एक या दो एक्स्ट्रा का ही फर्क था, वरना यूएई नेपाल को बराबरी समझे। इतना खराब परफॉर्मेंस हुआ था फील्डिंग से, फील्डिंग कैचेस मिस और तीनों टीमों का फाल देखिए। नेपाल ने कहीं ना शायद एक या दो मैचेस जीते थे, एक यूएसए के खिलाफ और एक यूएई के खिलाफ अगर मैं बात करूं। जी हां जी हां जी, और उसके बाद बाकी यूएसए यूएई का तो हाल आप सबसे छुपा ही नहीं, यूएई ने एक जीता, यूएसए ने कोई मैच ही नहीं जीता। परफॉर्मेंस का फील्डिंग का स्तर आपको बहुत उठाना होगा और ये भी आप ही के हाथ में, क्योंकि अब आप सोचेंगे कि यार नर्वसनेस में चीजें हो जाती है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतनी भीड़ होगी, बस इसीलिए तो हमारा पॉइंट नंबर वन था। हमने बहुत सिस्टमेटिकली चीजें रखी आपके सामने, इसीलिए हमने पॉइंट नंबर वन नर्वसनेस दिया। अगर आपने उस पर कंट्रोल किया तो फिर आपके पास फील्डिंग में खराब करने की गुंजाइश नहीं होगी। और फील्डिंग आपने अगर वर्ल्ड कप क्वालिफायर के मुकाबले 70-80% बेहतर कर ली तो डेफिनेटली आप एक अच्छी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस फिर से देने में कामयाब हो जाएंगे। तो इन दो पॉइंट्स के जरिए आप कहीं ना कहीं ये चीजें कर पाएंगे। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि पूरी तरह से आपके परफॉर्मेंस पॉजिटिव इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट जो है वो जरूर डालता है, और वो है बॉडी लैंग्वेज। बिल्कुल बिल्कुल, बॉडी लैंग्वेज की यहाँ बात की जाए तो इससे हमारा क्या कहना है? नहीं जरूर, देखिए बॉडी लैंग्वेज में ये हो जाता है कि अब ये फील्डिंग एक चीज इसी से रिलेट करता हूँ मैं इसे, जब फील्डिंग में आपने मान लीजिए रोहित का, विराट का, बाबर का या रिजवान का, इमाम फखर का कैच छोड़ दिया है तो सोच कर देखिए क्या माइंड में वो रहेगा। वो जब 5-10 रन पे अगर रहे होंगे और एक कैच आ गया अचानक और उसके बाद वो छोड़ गया वो कैच, तो सोच कर देखिए उस प्लेयर का पूरे मैच के दौरान क्या हाल रहने वाला है। बस तो वो बॉडी से बचना है। अब ये 50 ओवर का फॉर्मेट है, जी हाँ, ये मत भूलिए कि ये 20 ओवर का फॉर्मेट नहीं है कि जहां पर आपने एक बार कैच छोड़ दिया तो अरे यार गया लगता है, तो वो 30-40 मार देंगे तो हमारा काम खत्म। नहीं, ये 50 ओवर का फॉर्मेट है, यहाँ पर आपके पास टाइम है। एक कैच 5 रन पे आई है तो शायद दूसरी कैच 25 रन पे आ जाए। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन एक दिक्कत हो जाएगी अगर आपका बॉडी लैंग्वेज वही रहा, नहीं नहीं कि अरे मैंने कैच छोड़ दी, मैंने कैच छोड़ दी, मैंने कैच छोड़ दी, 25 में जो कैच आएगा ना वो भी छूट, बिल्कुल सही कहा, वो छूटता ही चला जाएगा। फिर 2 रन छूटेगा, फिर 1 रन छूटेगा, शॉट के रन है, रनआउट का चांस छूटेगा। अगर आपने ये सब चीज़ों को, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को अगर आपने अपने ऊपर हावी होने दिया, लेट इट गो वाला प्रोसेस है, ये 50 ओवर का फॉर्मेट है, इसे नहीं भूलना चाहिए। मौका मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, मिलेगा 10 ओवर में, लेकिन हाँ वैसी स्किल नजर आनी चाहिए जरूर। हाँ वो फिर सेकंड पॉइंट से रिलेटेड है, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, वो फील्डिंग से रिलेटेड आ जाती है कि अच्छे स्किल नजर आए। और ऊपर से एक चीज़ और है कि हाँ शो में ना हो जाए कि अरे हम बड़े बड़े टीवियों में आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग हमें देख रहे हैं, ये बॉडी लैंग्वेज ही बहुत खराब, क्योंकि ये ऑब्वियसली है कि कुछ ना कुछ लोग जो है वीआईपी स्टैंड में बैठे हुए हैं, फर्स्ट मैच पे तो होंगे। जी हाँ, तो वहाँ पर अपने आप का बॉडी लैंग्वेज में कंट्रोल करना कि मेरे सामने ये बाबर हैं या इमाम फखर वगैरह खेल रहे हैं, रिजवान है या कोई बड़े बड़े प्लेयर आए हुए हैं, शाहिद अफरीदी मान के चलिए आए हुए हैं स्टैंड में खड़े हैं, तो नहीं, अपने आप को काम रखने की जरूरत है। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ देता हूँ, अब आप सोचेंगे कि ये सब बातें करने के लिए तो बहुत अच्छा होता है लेकिन रियल में बहुत हार्ड है। मुझे करेक्ट है, सब यही सोच रहे होंगे, ये नामुमकिन सा लगता है। मैं नर्वसनेस को भी आपको एग्जांपल दिया और अब यहाँ पर एक और एग्जांपल देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, एक एग्जांपल अभी का है, अगर जिन्होंने जो कोई टेनिस को फॉलो करते हैं, बहुत होंगे जरूर फॉलो करते होंगे, अभी अल्कारेज ने जोकोविक को फाइनल में मात दी, विंबलडन में फाइनल में हराया। जोकोविक का क्या रिकॉर्ड है वो तो सभी जानते हैं, लेकिन उन्होंने अल्कारेज ने उन्हें हरा दिया। अब इसमें कोई हैरानी नहीं है कि विंबलडन के फाइनल में कौन कौन से लोग वीआईपी में बैठे रहते हैं। डेविड बेकहम आते हैं वहाँ, तो प्रिंस जो इंग्लैंड के हैं, हैरी जो वो हैं, वो भी वहाँ पर आते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं, और कितने बड़े बड़े सुपरस्टार और फॉर्मर टेनिस के प्लेयर्स भी आते हैं। रॉजर फेडरर आए हुए थे जहाँ मैच देखने के लिए, वो भी आए थे, ओपनिंग सेरेमनी में थे वो, माफ कीजिए क्लोजिंग सेरेमनी में थे। बिल्कुल सही कहा आप, तो सोच कर देखिए उनकी हालत क्या हो रही होगी जब उन्होंने नजर दौड़ाई होगी, क्योंकि टीवी में तो आ जाता है कि ये आए हैं, ये आए हैं, तो उन्होंने देखा अरे बाप रे रॉजर जो टेनिस के गॉड की तरह से एक तरीके से वो भी आए हुए हैं, रॉजर फेडरर, वो तो कब कब आ जाना चाहिए था उन्हें। बिल्कुल
उनके हाथ से रैकेट उठाना ही नहीं चाहिए था। अरे अरे खो गए आसमान में सपनों में, अरे वाह विंबलडन के फाइनल में हूँ मैं, मेरा काम तो हो गया। लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा सोचा ही नहीं, उन्होंने ऐसा बॉडी में आने ही नहीं दिया। और देखिए क्या हाल किया कि जोकोविच जैसे प्लेयर को 24वें ग्रैंड स्लैम से महरूम रख दिया और खुद विंबलडन जैसे टूर्नामेंट को जीत कर लेकर चले। बिल्कुल, तो ये इस तरह के एग्जांपल्स हैं, क्योंकि हमें पता था कि आप ये सोच सकते हैं कि ये कहना आसान है करना मुश्किल है, लेकिन आप ही के एग्जांपल्स हैं। और अल्कारस कोई 40 साल के एक्सपीरियंस प्लेयर की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत यंग प्लेयर हैं अभी, और कई सारे प्लेयर्स की एज जो है यंग कैटेगरी में वो आते हैं। तो डेफिनेटली जब उन्होंने इस तरह के बड़े लेवल्स पे कंट्रोल किया तो आप क्यों नहीं कर सकते, प्लेटफॉर्म आपके लिए भी उतना बड़ा है। जबकि टेनिस के लिहाज से विंबलडन जिस लेवल का प्लेटफॉर्म है उस लिहाज से क्रिकेट में एशिया कप तो प्लेटफॉर्म है ही नहीं, आईसीसी इवेंट वर्ल्ड कप वो प्लेटफॉर्म हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें, ये तीन चीजें जो आपके हाथ में, परफॉर्मेंस, बैटिंग, वेटिंग, बॉलिंग, सबके बारे में बात आगे जरूर करेंगे, ये सब आपके परफॉर्मेंस पे ओपोनेंट भी बहुत मैटर करता है, लेकिन ये चीजें आपके अंदर है। आप जितना अपने इनर स्ट्रेंथ पे काम कर सकते हैं, जितनी अपनी नर्वसनेस पे कंट्रोल कर सकते हैं, जितनी अपनी फील्डिंग का स्तर उठा सकते हैं और जितना अपना बॉडी लैंग्वेज बेहतर कर सकते हैं, ये तीन चीजें आपके उस परफॉर्मेंस पे पॉजिटिव इंपैक्ट डालेंगी ही डालेंगी। चाहे आप किसी से भी ये चीज़, किसी के साथ भी ये डिस्कशन शेयर करिए, वो डेफिनेटली इन तीन चीज़ों पे सहमत जरूर होंगे कि जी हाँ, इन तीन चीज़ों पे अगर टीम ने कंट्रोल करने में कामयाबी दिखाई, डेफिनेटली परफॉर्मेंस जो है वो एक पॉजिटिव इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस जरूर होगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट। हम बार बार यही चीज जरूर दोहराएंगे। तो उम्मीद है कि ये तीन चीजें, हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जरूर आप शेयर करें, आपके जो पेजेस वगैरह होंगे आप वहां पे शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, उनके साथ इस चीज को लेकर डिस्कस करिए, हो सके तो कैप्टन्स, प्लेयर्स, कोच तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश जरूर करिए, खास करके जो कोचिंग स्टाफ वगैरह उन तक भी पहुंचाने की कोशिश करिए। उम्मीद है कि ये तीन चीज़ों पे अगर काम हो तो डेफिनेटली, और इन तीन चीज़ों में से दो चीज़ों पे काम करने के लिए आपको ग्राउंड पे होने की भी जरूरत नहीं, जी हाँ वो आपके ऊपर है, आप किस तरह से खुद को कंट्रोल करते हैं, किस तरह से आपका बॉडी लैंग्वेज रहता है, माइंड सेट रहता है, वो डिपेंड करेगा। और इस पर कोच का रोल बहुत इंपॉर्टेंट जरूर हो जाएगा तीनों ही पॉइंट्स पे, तो ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि पॉइंट्स को अगर अडैप्ट कर लिया जितने, और अडैप्ट करना इतना वो नहीं है कि हाँ, जैसे आपने बार बार कहा, एग्जांपल दिया ना, बिल्कुल एग्जांपल्स है प्रेजेंट में, और एज फैक्टर भी है, ये याद रखिएगा। अगर आपको लगता होगा कि नहीं वो बहुत मैच्योर एज के हैं तब जाके उन्होंने इनको हराया, बिल्कुल नहीं, सऊदी अरब के प्लेयर्स को देखिए, उसके बाद आप अल्कारस को देखिए, शायद मेरे ख्याल में अंडर 20 या 21 साल के ही है बस वो अल्कारस, लेकिन देखिए उन्होंने क्या क्या रिजल्ट दिए हैं। बिल्कुल, चलिए मान के चलिए अंडर 25 भी हैं, बिल्कुल अंडर 25 भी कौन से इतनी इतनी हाई प्रोफाइल है जो कि सालों का एक्सपीरियंस हो गया, कहां जो को भी और कहां अल्कारस, तो ये है जब कर सकते हैं। और इसलिए हमने रिसेंट एग्जांपल दिए कितने, तो ताकि आपको याद रहे, क्योंकि रिसेंटली जिन्होंने मैचेस वगैरह देखे हो टेनिस का, अल्कारस वर्सेस जोकोविच और सऊदी अरब, वो तो सभी ने देखा होगा ना, फुटबॉल फैंस भरे हुए हैं, तो इसलिए हमने रिसेंट दिया। ऐसे तो हम आपके सामने ढेरों एग्जांपल पेश कर सकते हैं क्रिकेट में भी। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, लेकिन डेली क्रिकेट जिस तरह से आपके सामने वीडियोज लाता है, जिन टॉपिक्स पे बात करता है, ये आपको कहीं भी और नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ डेली क्रिकेट इस चीज आपके सामने प्रेजेंट करता है। कल भी एक इंटरेस्टिंग वीडियो आएगा जो इसके बाद का अगला पड़ाव नेपाल के लिए क्या होने वाला है, क्या होना चाहिए, उस पर बात जरूर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।